इसका नाम पता करते हैं क्या है। सही बादल दिख रहे हैं आज बजाय तो इसीलिए एकदम सारी रोड खाली है, बल्कि कम ही है। ऐसे नहीं तो इस टाइम पे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, पर ये क्रिसमस की वजह से लोग सुबह ही निकलने लगते हैं यार। चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ जा रहा हूँ, कुछ फ्रेश होके आते हैं, घूम के आता हूँ थोड़ा सा किसी जगह। देखिए आज आप लोगों के लिए एक नई जगह आया हूँ यार, ये अपना रेस कोर्स है, इधर सुबह सब लोग टहलने आते हैं और घोड़े वोड़े घुड़सवारी जो आपको दिखाया था एक दिन वही जगह है स्विफ्ट। और पता है यहाँ की गाड़ियों की यार ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होती है, देखिए स्विफ्ट एकदम जमीन में धंसी हुई है, देखिए मस्त। और ये अपना सामने ये पुलिस या आर्मी का इनका कुछ भी है, आर्मी कैंप है। कितना टाइम हो रहा है यार, तो टाइम इसमें अपना टाइम हुआ है 6:56 और हाँ इसमें भी 7:05 बचे, तो सही है। चलिए गाइस टहलते हैं और फिर आपको भी दिखाता हूँ यार, आप लोग भी टहल लो मेरे साथ थोड़ा सा, और अच्छी जगह है यहाँ। चलिए सुबह से आज लग रहा है दिन में बारिश भी होने वाली है अच्छी सी, यार ये अंदर कैसे जाएंगे यार। अभी अपने को एक राइडर दिखा था, ये वो रही अपनी गड्डी, और गाइस यहाँ पे ना यार ये हॉर्स राइडिंग पूरी अच्छे से होती है, इसमें पूरा बेट लगाते हैं सब अच्छे से यार। इसी के लिए मैं रुका था पर वो जा रहा है, देख रहे हो। चलिए गाइस फिर निकलते हैं यार यहाँ से, अपना टहलने तो नहीं आए थे, दिखाने आए थे। और ये क्या तोप का गोला यार, बंद रखे तुम, ये कैसी तोप है। ऊपर ट्रक्स भी खड़े हुए आर्मी के, और ये रहा इनका छोटू सा आर्मी कैंप, अपने यहाँ का हॉस्टल। और ये देखो आर्मी के बंदे, अरे ये तो डॉक्टर जेरोम दिख रहे हैं, नहीं नहीं बोले, ये लाइन के आर्मी के बंदे देखो। चले गए फिर आगे चलते हैं, जहाँ पे जा रहे हैं उस जगह पहुँच के आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं अभी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे शायद हम लोग को ये हॉर्स को नहलाते हुए मिल जाएंगे ये लोग, तो शायद से पक्का नहीं पर चल के देखते हैं। और गाइस ये अपनी हिल्टन की रोड है, हम लोग हिल्टन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ याद है मैं एक दिन बाल कटाने आया था, तो उधर ही जा रहे हैं हम लोग। उधर भी बीच है यार पीछे एक, आपको बीच नहीं दिखाया था, आपको ऊपर से दिखाया था, तो आज बीच पे दिखाते हैं। हाँ ये वही बीच है सामने, ये रहा अपना इधर साइड हिल्टन, ये देखें सामने अपना हिल्टन, और ये सामने रहा रेडिसन। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यार, इसका नाम एग्जैक्ट हाँ कुछ कार्ले बे है, कार्ले बे, और बहुत सही जगह है ये फर्स्ट टाइम आया अपन, लास्ट टाइम वहाँ पे आया था मैं बाल कटाने। और ये देखिए ये सब लोग ये घोड़े जा रहे हैं अपने नहलाने, ये सारे इधर जहाँ से मैं अभी जस्ट आया, ये सब वही हॉर्स राइडर्स हैं, ये सब इधर आते हैं नहलाने इन लोगों को उसका। और ये सारी बोट्स वगैरह देखिए इधर कर भी रहे हैं बंदे, तो देख रहे हैं सामने सब कर रहे हैं। चलिए आगे चल के दिखाता हूँ आपको, देखिए बैठ गया घोड़ू। तो यार ये सारी जगह बताई नहीं बारबाडोस में कहाँ छुपी हुई थी, मतलब छुपी तो नहीं हुई थी पर हम लोग बहुत ही कम आते थे ऐसी जगह पे। मैं एक बार और आया पर कभी सुबह नहीं आया, मॉर्निंग में नहीं आया कि ये सब देखने को मिले। मॉर्निंग में अभी हाँ गाइस अभी 7:06 हुआ यार, अभी बहुत सही टाइम हुआ है यहाँ पे आने के लिए, सबसे अच्छा टाइम यही है इस टाइम। क्या सही मस्त हो रखा है। और ये देखिए एक और घोड़ा है, ये देखिए एक और आया है, और ये सारे लोग यार यहाँ पे फोटोज ही खींच रहे हैं, सारे लोग देखे ना सारे फोटोज ही खींच रहे हैं सारे सब घोड़ों के, देख रहे हो।
अब तो यार रोज रोज सुबह निकलूंगा, रोज सुबह 6 बजे का अलार्म लगा के उठ के निकलना है अच्छी अच्छी जगह के लिए रोज। गाइस ये देखिए मस्त जगह है, ये पूरा तैर रहा है, वो देख रहे हैं सामने, ये दिखाता हूँ आपको, वो देखिए गाइस वो सबसे लेट आया है, ये तैर रहा है और ये सारे जा रहे हैं, ये सारे सब लेके जा रहे हैं अभी इनको। और इन सब पे बेटिंग लगती है, मतलब ये सारे अच्छे अच्छे घोड़े, और ये सबसे प्यारे देखिए ना, मेरी हाइट ये है, ये मेरे सर पे हाइट, और ये उससे भी ज़्यादा हाइट है इसकी, 6 फीट से भी ज़्यादा है मतलब। यार तब से इसको बोल रहा है नहाने के लिए, लेकिन ये मना किया जा रहा है, अब ये इसको मार के नहलाएगा, मारना शुरू किया। देखो वो देख रहे हैं गाइस वो कितनी दूर निकल गया था पता, भी तैरते तैरते उसी पे घोड़े पे बैठा हुआ है वो बंदा, देखो सामने उसी पे बैठ के तैर रहा है यार, क्या मस्त मज़ा आ रहा है। ये भी गया गाइस, तो वो यार अपना होटल हिल्टन जो बताया था आपको, और ये सारे बार्स वगैरह हैं वो देखिए उधर, कैटरमैन वो भी निकाल के रखा है, क्रूज वगैरह सब होता है यहाँ पे, और ये फोटोग्राफी वगैरह हो रही है, और वो देखिए उधर गाइस क्रूज अपने क्रूज खड़े हैं सारे, और वो शायद ब्रिज टाउन है यार, हम लोग इधर से जाते हैं तो ब्रिज टाउन आता है। तो अपना वहाँ का क्या सीन है, वो जो जगह है वहीं पे सारे क्रूज आते हैं बड़े बड़े मायामी वगैरह से, जो भी यहाँ से मायामी और यहाँ से बाकी आइलैंड्स ले, तो वहीं पे आके रुकते हैं, वहीं से फिर बस से पूरे आइलैंड का टूर कराते हैं। जो क्रूज खड़ा हुआ है ये भी शायद मैंने अभी ब्रिज टाउन में नोटिस किया था 2 दिन पहले, तो वो अपना फ्लोरिडा के लिए ही निकलने ही वाला है 1 वीक में, ये देखिए लहरें, और शाम में यार वेव्स बहुत तेज होते हैं, क्योंकि शाम में हाई टाइड्स होते हैं, तो शाम में वेव्स बहुत तेज होते हैं। गाइस देखा क्या हुआ, सबकी सब लोग भीग गए, इतनी तेज लहर आई है यार, यहाँ तक पूरा ऊपर तक पानी आ गया यार, देख रहे हैं पूरा यहाँ तक पानी आया है, ये देखो क्या हो गया यार, ये तो अंदर ही रह गई थी, फंस गई थी, बच गए, क्या प्यारा हॉट है यार, देखो ना फिर से आया, और चलते 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 इसके पीछे चलते हैं फोटो के लिए। ये देखिए गाइस मस्त सा घोड़ा है यार, तो जल्दी से अब टाइम हो गया, अपना घोड़ों का भी हो गया, सब हो गया, निकलते हैं जल्दी से, और इसका नाम पता करते हैं क्या है। Hey bro, what's his name? अरे पीछे अपना अली's name और अलग, ये देखिए पीछे मस्त मस्त सी लहरें आ रही हैं, अब हो गया अपना। I got my roll on, I'm rolling. I drive all my cars like they're stolen. You got on and put your homies out for ransom. I got on and put my homies on a program. Girls to me and my DM tryna link up. यहाँ पर थोड़ा सा लेट होगा जब 10-11 बजे तक, जब बादल होंगे धूप नहीं होगी, किसी दिन और आते हैं यहाँ से, अभी आज हो गया, आज निकलते हैं। और ये अपनी ये चाय की टपरी भी लग चुकी है। फिर कार्ले बे को बाय बाय, और निकलते हैं अपन घर, सीधे जाएंगे, अभी तो सोना नहीं है क्योंकि रात भर सो के ही उठाऊं, तो अभी सीधे घर जाना है, और फिर बताते हैं आपको दिन भर जो भी चलता है, बाय बाय। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस ये देखिए एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ यार, ये देख रहे हो क्या हो रखा है, चलो अब ये घर जाके ही साफ होगा यार। अब गाइस यार इसको साफ करने के लिए कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, ऐसे तो गाड़ी में नहीं जा सकते अपनी, और देखा ये वाइट नंबर प्लेट मतलब रेंटल कार, ये वाइट नंबर प्लेट मतलब रेंटल कार, ये अपनी प्राइवेट कार है, बट है रेंटल ही पर प्राइवेट है, क्योंकि देखिए इसमें पीछे रेंटल लगा हुआ है साइन, पर ब्लैक की जिमनी है ये भी, बहुत छोटी सी यार थार जैसी लगती है, अपने इंडिया में नहीं आई है पर है अच्छी दिखती है, देखिए ना मिल जाता है वॉशिंग एरिया और वॉशरूम्स बीच के पास, पर यहाँ पे यार चलते ही जा रहे हैं मिल ही नहीं रहा है, पूरा पैरों में ना ये चप्पल लग भी रहा है, स्लीपर्स है ना ये पैरों में, इस बच्चे के बाल देख रहे हैं इसके। तो गाइज अपने को वॉशरूम मिल गया है, और ये पता है ये राइट साइड जो अपना ये हिल्टन होटल है, तो ये राउंड अबाउट पे इसमें बड़ा सा हिल्टन लिखा हुआ है, मैं कैसे दिखाऊँ, कहीं चढ़ सकता हूँ, कहीं चढ़ सकता, नहीं दिखा सकता, तो पर इसमें लिखा हुआ है बड़ा सा हिल्टन। तो ये अपना वॉशरूम, अंदर वॉशरूम है, और ये सार एरिया है, तो अपना जल्दी से इसको ऑन करते हैं।
ये यार यहाँ पे हर जगह होते हैं, और अंदर वॉशरूम में नहाना वाना है तो अंदर भी कर सकते हैं। चलिए गाइस यार ब्रेकफास्ट भी कर लिया अपना। ये रहा अपना ब्रेकफास्ट, ये फ्राइज और हैश ब्राउन्स और कोक बर्गर किंग से उठाया। और ये मस्त सी गाड़ी जा रही है यार सामने देखा आपने। और ये स्काई मॉल आया था मैं, स्काई मॉल बर्गर किंग, तो काफी टाइम हो गया था मैंने ये सबवे से लेता था हैश ब्राउन्स। बहुत टाइम से मन था कि एक दिन बर्गर किंग के भी हैश ब्राउन्स ट्राई करता हूँ। तो ये रहा और मस्त टेस्ट है अपने यहाँ का साबुदाना वड़ा। तो यार ना मैं कह रहा था कि मैं जाके सोऊंगा नहीं, रात भर सोया हूँ, पर कुछ करने को नहीं था। 3:15 हो गया यार, अभी सो के उठा हूँ मस्त। अब देखता हूँ क्या करना है। खाना आते ही खाना खाया था, खा के सो गया था। हाँ नहीं सोया नहीं था, सोने के पहले एक दो और काम थे वो किया, उसके बाद नींद आ गई यार सो गया। अभी उठा हूँ, अब नहाता आता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। और अब पूरी रात लगता है, नींद नहीं आएगी यार, ये दिन वाला सोना बड़ा खतरनाक होता है। तो चलिए गाइस उठ के नहाता आता हूँ। और आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया। और टेक केयर गाइस।